अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी ये रेसिपी देख रहे हो, और उसके बाद जो आज हम आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, आज मैं दम का कीमा बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि ये दम का कीमा हम लोग किस तरह से बनाएंगे। जी, सबसे पहले जो कीमा हमने लिया है, 1 किलो ले लिया है, रान का कीमा है। रान का कीमा जब बनवाया है तो उसके साथ हड्डी तो आना मस्ट है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जी, ये कीमा जो है हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। हड्डी मैं इसमें शामिल नहीं अभी करूँगी जी। अब हम 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। ये मैंने इसको मोटा मोटा कूटा है, इसको आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनानी। यहाँ पे ये जी 250 ग्राम मेरे पास ये प्याज है, वो इसमें शामिल कर लेंगे। टमाटर हैं वो शामिल करेंगे। ये 1 इंच का टुकड़ा ये जुलियन कटिंग में कटा हुआ है वो शामिल करेंगे। अब आते हैं जी ड्राई मसालों की तरफ। तो 1 टेबलस्पून ये नमक जा रहा है इसके अंदर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ये कुटा हुआ जीरा, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है वो शामिल करेंगे, 4 अदद ये हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। यहाँ पे जी 1/2 कप ये जो है दही का शामिल कर लेंगे। तमाम मसालों को हमने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सुरख मिर्च मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि हरी मिर्च गई है, और हमने साबत लाल मिर्च डालनी है, इसलिए हम इसमें सुरख मिर्च नहीं डालेंगे। इसको आपने मिक्स अच्छी तरह से कर लेना है। क्योंकि दम का है तो इसमें तमाम मसाले मैं साबत यूज़ करती हूँ, मेरी अपनी रेसिपी है। आप लोग जिस तरह की बनाते हो वो आप लोगों की अपनी रेसिपी है, मैं दम का कीमा ऐसे ही बनाती हूँ। ये जी मिक्स करने के बाद अब इस कीमे को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है, ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स हो जाए। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद आपसे। ये ले जी बर्तन हमने ले लिया है। अब इसमें मैं 1/2 कप के करीब घी, देसी घी डाल दूंगी। ये जी मेरे पास सुरख मिर्च है, ये तोड़ के मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी। दो स्टिक दालचीनी की है, 4 अदद बड़ी इलायची, 8 अदद सब्ज इलायची, और 1 टीस्पून जीरा। हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे घी के अंदर। हाँ जी, ये ध्यान रखना है आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। जैसे ही हल्की सी खुशबू आना शुरू हो तो आपने कीमा शामिल फौरन कर देना है इसमें। ये देखें जी, जीरे की खुशबू आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले जो हमारे पास कीमे की हड्डियां हैं वो शामिल कर लेंगे। हड्डियों को आपने मिस नहीं करना है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। ये ले जी कीमे को मसाला लगाए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, तो अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही मसाला लगा हुआ कीमा जो है वो शामिल कर लेंगे। मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये दम का कीमा है। मैं आपको फ्लेम दिखाती हूँ, ये देखें
ये बिल्कुल इतनी स्लो फ्लेम है, इतनी स्लो फ्लेम है कि ये बिल्कुल, ये कम जो कीमा है दम पे बनेगा, आपने फ्लेम इतनी ही स्लो रखनी है। ये आप इसका वो देख सकते हैं, ये पकने की स्पीड आपको फील हो जाएगा कि ये इसके नीचे कितनी फ्लेम चल रही है। अब इसको यूं करके रखेंगे सेंटर में, अब यहां पे इसको कवर करेंगे और कम से कम एक घंटे के लिए इसको दम पे रखना है। यहां मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि कीमा जो है वो मैंने मोटा कीमा लिया, बारीक कीमा नहीं लिया। जो दम का कीमा होता है वो मोटे कीमे का दम का कीमा बनता है, तो आप भी मोटा कीमा ले लीजिएगा। तो कम से कम इस कीमे को, क्योंकि हमने दम पे रखा है तो एक घंटा ये लेगा। तो आपसे मिलते हैं एक घंटे के बाद, कहीं मत जाइएगा अगर आपने मज़ेदार दम का कीमा खाना है तो। 20 मिनट गुजर चुके हैं तो मैंने कहा मैं आपको कीमे की कंडीशन दिखा दूं कि इस वक्त 20 मिनट के बाद कीमे की कंडीशन क्या है। ये देखें जी, कीमे ने, गए टमाटर ने, दही ने, सब ने अपना अपना पानी छोड़ दिया है और इसी में ये जो हमारा मोटा कीमा है ना, ये मोटा कीमा इसी में गल जाएगा। ये ले जी, इसको दोबारा कवर करेंगे और जो बाकी हमारे पास टाइम है जितना उसका वेट करेंगे। ये ले जी, 50 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसका हम ढक्कन उठाते हैं और आपको चेक करवाते हैं कीमा। ये देखें, पानी जो उसने छोड़ा था बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। ये देखें जी, आपको इसमें प्याज, टमाटर सब कुछ मोटा मोटा नज़र आ रहा होना है। इसी को हम लोग दम का कीमा बोलते हैं, इसको हमने बीच में मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे बस इसकी हमने हल्की हल्की बुनाई कर लेनी है कीमे की। यहाँ पे जी मैं फ्लेम को थोड़ा ऊंचा कर दूंगी और अब बारी है कीमे को भूनने की। बुनाई आपने इस तरह से करनी है कि ना तो हमारा टमाटर टूटे और ना हमारा प्याज टूटे। सारी चीज़ें बीच में साबत साबत होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं दम का कीमा। ये ले जी, कीमे की बुनाई हो गई है कंप्लीट। यहाँ जी हमने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया, कीमा हमारा हो गया तैयार। अब हम निकालते हैं प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद एक मोटा पेट मेरा इंतज़ार कर रहा है इसको खाने के लिए, तो मोटू साहब आपको खा के बताएंगे कि हमारा दम का कीमा कैसा बना है। ये देखें, हर मसाला आपको साबत नज़र आ रहा है। जब भी आपने कीमे को भूनना है, आपने प्याज वगैरह को मिक्स नहीं करना, आपका प्याज इसमें नज़र आना चाहिए। इसे ही दम का, हम लोग दम का कीमा बोलते हैं। आप लोग अपने तरीके से बनाते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैंने आपको वो तरीका बताया है। और ये शाहिद साहब की मैंने नली डाल दी है ताकि वो नली खा सकें। ये एक और नली आ गई। हाँ जी, खाने का टाइम हो गया, अब निकालते हैं एज़ यूजल नान शरीफ, क्योंकि हमारी किस्मत में ना नान लिखे गए ने। तो लिखे गए ने तो फिर यार तू ना खा नान, तुझे कोई प्रॉब्लम है तू ना खा नान, तू अपनी तंदूर रोटी बना ले। मैं रोगनी नान लेके आया, बड़े आराम ना मैनू सादे नान ना फड़ाओ। आहो इन्ना भी मैं आहो आप ही कोई अकल दे दे इसे। नान खा के कसम ना लग, नान ही बन गया। जितना मना करो शाहिद, नान ना खा रोटी नहीं, नान 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 की चस्का होता है, मजा आता है ज्यादा, उसमें क्या मसला हो गया। मैंने इसको मना किया रात को कि मुझे दही बल्ले ना खिला, खा ले कुछ नहीं होता, खा ले कुछ नहीं होता, मेरा स्टमक इससे अपसेट हो गया। क्या अपसेट हो गया? थोड़ा मसाला तूने तेज खाया तो प्रॉब्लम में आ गई, वो भी बजारी। तो जानवर है तो जो मर्जी लकड़ पत्थर सब कुछ हजम हो जाता है इसको। तू सेंसिटिव है जो होएगी है, मैं तेरे को कुछ कह नहीं सकता हूं, तू मेरे जानवर क्या, मैं तेरे को कहूंगा तो तू गुस्सा करेंगी हैं, गल्ला करा लो बस। ओ कीमा बनाया है स्कून, दो बाइटा लेके 10 के की हो जा बने हैं।
अटैक शुरू करते हैं। डॉक्टर पे तू मुझे लेके जाए ना, मैं रोग नहीं नान फार नहीं, मैं नहीं खाती नान, पीछे हो जा। हमेशा अपनी मनमानी ना किया कर, कभी मेरी भी मान लिया कर। खा ले ऐसा वहां पे दुकान पे शुरू होता है ना, जाके खा ले, बंदा शर्मिंदा हो जाता है। तो की है? चलो खा एक दही भले दी प्लेट खा लेती, अभी तेरे को पूरी नहीं खाती की गला गालो या थी, मैंने तुम्हें देती थी नहीं देती थी। किसका अपसेट हुआ भाई? पेट के लिए अपसेट होया ते नहीं खा रही प्याज, पता नहीं केरा प्याज, तो प्याज पुरानी सला देगी थी वो, मैंने की पता हो पिछले सुना ला। चल खा ले उन्ना, तो पहले मैंने बाइट दे, मैं तन दस दिन तक सलाद पुरानी बीच पई हुई है, ऐ देख तादी सलाद है मुंह च पा ले। इतना मजे का घर का खाना और जाके बाहर चस्के मारता है जाके। तो दिल कर रिया सी दही भले दे नाल रोटी खान नु, आज दादा लगे पहले दस की हो जा बने खान दे काबिल है के नहीं। ओ बोल भी यार एक दिन ओए हमोश कमाल कमाल एंड एंड जिसको बोलते हैं ना यार, थोड़ा मुंह जो बोलिया कर, खामोश तारीफ ना करिया कर। लेकिन मैं ज्यादा खा नहीं सकती इसलिए मुझे इस पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से ये कीमा बनाया है। इसे पता भी था कि मैंने कीमा बनाना, तू खा ले दही पल्ले, खा ले दही पल्ले, खा ले एले एले ताजा प्याज मुंह च पा या नाक च ले अपने, एले हुन इसको ही सही हो जाएगी, गल्ला करा लो तेरे को चेक कर जरा। रुक नहीं नान चल, मुझे इतना पसंद है कि मैं तो इसको चम्मच के साथ खाती हूँ। अद्धा घंटे तेन बुरकी लाते हो गया, तू चम्मच ना भलवान खाने कैसा मजा आया रात ना, सही दसी मजा ही नहीं आया। मुंह इच बोली थे कि जायका किहो जिहा यार, तू इन्नी खामोश तबीयत ही है यार तू भी। वैसे लो भलवान जी हूँ चेक करो जरा, चलो जी चल फिर बाइट लैन लग गए। रोटी खान लगी तू हथी मारना खानी लोग नहीं ना चल नहीं तो मैनू खान दे चल भगवान पड़े हो जा चल यार एक मक्खी कितो आ गई बिच तंग कर रही चलो चेक करो जरा रोगनी नान क्या लालम लाल अब तो मजे ही अपने हैं। आए 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 ओए 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 कितो पढ़ा कीमा मैं कितो पढ़ा है तो ही पढ़ना आए क्या खड़ा खड़ा कीमा क्या चंक्स मुंह में आएंगे आए ओए आए खाए खाए ओए 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 चेक करो जरा आए हाय फर्स्ट बाइट हो तो इतना ही मजा आता है कीमा फुल पड़ा अजय लाल खा ले ना कर यार खा ले मेरा पेट खराब कराए ना तू ही खा कुछ भी नहीं होता अरे नाल खा जरा एले फिर चल ही होता हां चल एले आए हाय हाय फिर सोच ले लाल रंग दी मिर्ची कोई नहीं हाथ में आ जानी है तेरी तो मैं कहना फिर आए बड़े मजे आने लग रही चल आई सारा गुस्सा खत्म हो गया भगवान आला काम हो गया यार आला सच्ची में मुझे मैंने पहले भी जैसे आपको बताया ये मुझे इतना पसंद है ना कि मैं इस कीमे को चम्मच के साथ खाती हूँ। ओए हो लाले जो ये बना रही है ना जिसे कहते हैं ना वाकई छुपा हुआ जायका यार अब देखे मैं खाई जा रही हूँ मुझे मेडिसिन डबल खानी पड़ जानी है यार नहीं खानी पड़ेगी ये चीज ऐसी है सारा कुछ अंदर वॉच हो जाना है हाथ नहीं रुक रहा कुछ नहीं होता डबल डोज खा रही हूँ लेकिन ना तो मैंने ना बाप के सिगे बाइट लेनी है स्पेशल किस्म की ये आपने यही फील करना है कि आपने खाया बस लो फिर एंड होने लगा जाए सुकून हो गया
कर ले पहले अपना पहले। नहीं नहीं खा ले एक दफा। नहीं नहीं ना तकल्लुफ ना करो एल चस्का पूरा ना करो यार। मैं बाइट देख लैन दे यार बीच कल करके हाथ दे जा रहे हैं भगवान। चेक करो स्पेशल बाइट हो लगी हूँ चेक कर। चेक करो बोल ले कल ही तरीफा मेरिया ढिड भर गया छड़ दे हूँ। चेक कर आए हाय हाय स्पेशल बाइट। लो जी पहले तो ना इस पे रखते हैं टमाटर ठीक है जनाब। ए दो खीरे हैं नाल रखो थोड़ा जा प्याज ते नाल फिर उत्तों करो फिलिंग कीमे दी। आए हाय हाय ए होंदी है टाडी बाइट। ए सलाद लुक गई थल्ले बर्गर बन गया। ओ थोड़ी चटनी पा ओ यार रायता पा सॉरी चटनी कह रहे रायता पाई अर्श दादे। ओए हाय हाय देखो हुन ए जड़ी हूँ बाइट जानी है ना आए हाय अंत हो रहा है। हाय 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 एंड यार ये जो बाइट लिया ना आपकी मोहब्बत में तरीफे खत्म हो गया। अगर आपने ये कीमा नाना बनाया तो आपने फिर मिस करना है। मैं आपको ये फाइनली बता रही हूँ कि ये इतना मजे का बनता है इतना मजे का बनता है कि आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूँ क्या नली अंदर गई है कड़ाक कर जिन्हें दम का कीमा पसंद है ना अगर वो ये खा लेंगे ना तो इस कीमे के दीवाने हो जाएंगे। दम निकल जाएगा तेरा है तेरा बड़ा दम का कीमा बनाई जिन्हें मेरी दम के है ना मेरा दम तो थले हो गया कसम कीमा अंदर ते दम बार मैं मेरा तो नहीं अंदर ही है दम सुकड़ लेकिन जायके दी मैं ना दम तो थले हो गया। यार ये रेसिपी आपने ना मैं कुछ भी नहीं कहता आप ट्राई करोगे तो बताओगे कि क्या चीज बनी है यार आला खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और एक और बात आप लोग बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करो और अगर आपको मेरी रेसिपीज देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाके मेरी तमाम मेरे चैनल यम्मी फूड सीक्रेट में जाके आपको पूरा आप चैनल देखिएगा आपको जो जो रेसिपी चाहिए होगी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन आपने मेरे चैनल में विजिट करना है जाके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। बस कर दे ओके बाय बस कर दे बहुत बोले है ना खाना नहीं ना बोले उन्हें रेसिपियाँ नहीं मिलती बाद लोगों को मिल जाएंगे इसलिए बता रही हूँ मिल जाएंगी रेसिपी। यार ये ना शहजादी बनती है लेकिन ना मैं कहता हूँ छा गया भलवान सारे गुस्से ठंडे कर देने भलवान ने और आपने ट्राई जरूर करना है। टाटा बाय बाय।